आज हम स्टेल का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आप तो हर बार क्वेश्चन में एक स्टेल आता है या तो सिंपल स्टेल या डायगोनल स्टेल। यह क्वेश्चन डायगोनल स्टेल का है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आरएफ दिया हुआ है तो आरएफ निकालने की जरूरत नहीं है। वितरण मापनी या फिर वितरण पैमाना बनाना है या वे डायगोनल स्टेल बनाना है। में 1/4000 निरूपित भिन्न 1/4000 आरएफ दिया हुआ है जिसकी सहायता एक वितरण पैमाना या डायगोनल स्टेल की रचना कीजिए जिस पर अधिकतम 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। अधिकतम 600 मीटर तक पढ़ा जा सके और पैमाने पर 486 मीटर की दूरी दर्शाना। कितनी 486। मान लो आप धन आपका या तुच्छ भी तो आप तो स्टेल बढ़ा लेना पड़ता है वो छोटी दूरी नामना। यहाँ पे भी स्टेल बढ़ाने में जिम्मा में शायद लेना पड़ता। अब इसमें दिया दिया है तो समय दिया गया है किया गया है या दिवन आरएफ की तो यूनिट नहीं होती है 400 मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम दूरी। अधिकतम कम दूरी जो 600 मीटर एन दर्शाना है या प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करना है 486 मीटर। अगर हम पहले लेंथ ऑफ स्टेल या लेंथ ऑफ स्टेल या मापनी की लंबाई निकालेंगे तो मापनी की लंबाई निकालने के लिए तो फार्मूला होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ आपका दिया है 1/4000 इनटू 600 मीटर। अब 8 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो अतः 100 तो अपन भागते हैं। अब लेंथ आधे 15 मीटर लेंथ ऑफ स्टेल लेंथ ऑफ स्टेल 15 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब स्टेल बनाना प्रारंभ करते मेरा चैनल तो शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। क्या कमी है इस कमी तो मैं सुधारूंगा। हम अब एक एक 15 मीटर लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर लंबी लाइन ए और बी ड्रॉ
ड्राती जा चुती, ए बी ए 15 सेंटीमीटर लाइन लंबी लाइन ड्रा कर चुते हैं। अब इस लाइन को हमें कितने भागों में दर्शाना, इसके लिए हमें इसमें जो पूर्णांक दिया रहता है, पूर्णांक 6 है या अधिकतम लंबाई में जितना भी पूर्णांक दिया हुआ है उतने भागों में डिवाइड करना, आने 6। अगर अपन नाम ले 15 सेंटीमीटर बाय 6 तो 2 n 3 2.5। अगर ऐसे में थोड़ी त्रुटि हो जाती, इसके लिए हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करी, इस इंक्लाइन लाइन को हम 6 भागों में राउंडर की सहायता से छह भागों में बांट देंगे, इक्वल 6 भाग। अब ये 6 भागों के बाद हमें बी लाइन तो रोलर स्टील की सहायता से मिलाना है और इस तो पीछे की ओर मोमेंट करते जाना है, जिससे कि यह इक्वल 6 भागों में लाइन डिवाइड हो जाए। हमने क्या किया, तीस पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करी, ये इंक्लाइन लाइन को हमने 6 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको भी 6 भागों में डिवाइड किया। अब हाइट लेते हैं तो हाइट हमेशा 2.5 to 3.2 सेंटीमीटर ली जाती है, तो अतः अपन हाइट लेते हैं, हाइट इसे इक्वल भागों में डिवाइड करना है। अब इस तो नंबरिंग दिया जाता है, यह हो गया आपका 0, तभी भी 1 पे 0 दिया जाता है, 0
जीरो, हंड्रेड, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ। अतः यहाँ मीटर में है तो यहाँ यूनिट लिखी जाती मीटर। मीटर अतः यहाँ 500 मीटर अपन तो शो करना है, इतना अने 400 मीटर। अब इस यहाँ से 400 मीटर ले लिया, फिर उसके बाद प्लस 80, तो इसके ये 100 मीटर है तो इसके 10 भाग करेंगे, जिससे 80 मीटर अपन तो इधर मिल जाएंगे, फिर 6 भाग करेंगे ऐसे, तो 80 तो 10 भाग के लिए 12 पे 5 सेंटीमीटर, 5 mm के डिस्टेंस पे 10 भाग दिए गए हैं। अतः इस भाग को 0 से मिला देना है। या हम 0 से मिला रहे हैं जो कि 100 मीटर तो 10 भागों में डिवाइड करेगा। दस भागों में डिवाइड करेगा। अतः इस तो हम नंबरिंग देते हैं इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3, और यहाँ पे लिखा जाता है 3 मीटर। लिखा जाता है 3 मीटर, तो एक भाग का मान 10 मीटर, इसलिए यहाँ पे 10 मीटर लिखा जाता है, और यहाँ पे 100 मीटर, तो एक भाग का मान 100 मीटर है। अतः ये जो भाग हुए हैं इसे हम इस पॉइंट से मिलाते हैं इंक्लाइन। हमने इंक्लाइन लाइन थी ड्रॉ कर दी। अब इस जो भाग ये वाला इसे भी 10 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 6 भाग करना है 10 भाग से, तो इसे भी हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 10 भागों में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइन लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस भागों में डिवाइड कर दिए। अतः इसे हम इस जीरो वाले भाग
से मिलाते जाएंगे। यहाँ मिंगलाइन मेरे चैनल तो शेयर सब्सक्राइब तो तमें जरूर कीजिए कि क्या तमी है। अब इसे एक लाइन मिला दिया जाता है। हमने इंक लाइन मिला दिया है। अब इस तो अपन तो नापना है। सबसे पहले 400 तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 400 के बाद 80 ये वाला पानी इस तो भी नंबरिंग यहाँ से दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब इसे भी नाम दिया जाता है मीटर। मीटर क्या लिखा जाता है? मीटर। अब हमें कितना नापना है इस पे 400 मीटर। 400 मीटर और 10 मीटर ये यहाँ से और 6 मीटर ये लाइन ये वाला पॉइंट आ जाए और ये वाला। अब इसको हमेशा इंक्लाइन ऊपर तक ले जाना है। ये एक टेंशन लाइन बोलती है, ये जरूर खींचा जाती है नहीं तो डायमेंशन देने में असुविधा फील होती है। अतः अपन ने इसको एक अब 480 ये पॉइंट अपन ने ले लिया है। अब यहाँ पे लिखा जाता है चार सौ 40 मीटर। ये कंप्लीट हो गया है आपका डायग्राम। अब इसके बाद कुछ और प्रोसेस है इस लिंक टॉप स्टेल शो करने के लिए। लेंथ ऑफ स्टेल
in top still 15 cm. In RF 1/4. ये आपका पूरा वीडियो कंप्लीट होता है और ये आपका पूरा स्टेल कंप्लीट होता है। इसे इस टाइप से ही बनाया जाता है जितने ते पूरे नंबर आपको मिल जाए और टोटल नंबर आप अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।